वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज एक विशेष वेबिनार के लिए हम जुड़े हुए हैं, हाउ टू मेक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस पीपीटीज. इसके बारे में हम आज अगले कुछ समय के लिए बात करने जा रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है नहीं, और दूसरी बात, आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए सभी लोगों के साथ. दोस्तों, चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं. तो हम में से काफी लोग प्रेजेंटेशंस को अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन उनका बेसिक एक ब्रेड एंड बटर है बेसिकली. जब चॉक एंड टॉक मेथड की बात करते हैं, टीचर्स अपने क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. तो आज के तौर पर ब्लैक बोर्ड चॉक एंड टॉक मेथड काफी पुराना हो चुका है, आप सभी जानते हैं. लेकिन एक कॉमन मिसकंसेप्शन है प्रेजेंटेशंस को लेकर के कि प्रेजेंटेशंस नॉर्मली जो है सेल्समैन या फिर मार्केटर्स, मार्केटिंग एजेंसी, सिर्फ ये लोग ही इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक्चुअली एक भ्रम है जो एक्चुअली आज हम क्लियर करेंगे. साथ में प्रेजेंटेशंस जो हैं किस लिए बनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस के क्या क्या लाभ हैं, और प्रेजेंटेशंस में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी को कुछ भी चीज़ आइडियाज़ या फिर कुछ भी चीज़ बता रहे हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बड़े संक्षिप्त में जानेंगे. और साथ में हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम जब प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसमें किस प्रकार की टूल्स है उसे इस्तेमाल करना है. साथ में आजकल AI, एडवांस्ड लर्निंग, साथ साथ मशीन लर्निंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स है, टूल्स अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशंस को और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं. तो उसके बारे में भी आज हम बड़े विस्तार से आज जानेंगे. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप जानते होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है टीचर्स के साथ कि टीचर्स जो है नॉर्मली ब्लैक बोर्ड के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं. यदि आप किसी डॉक्टर्स के बारे में इमेजिनेशन करने के लिए मैं अगर आपसे कहूँ, तो शायद हो सकता है कि आपके मन में एक डॉक्टर हो जिसके गर्दन में ऐसा एक स्टेथोस्कोप हो. तो ये एक जनरल विजुअलाइजेशन है सभी के मन में. उसी प्रकार से जब हम प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सेल्स और मार्केटिंग एजेंसीज के लिए रिलेटेड है, और नॉर्मली इसे हम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो अभी पिछले 7-8 महीने में हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे टीचर्स हों, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं. तो उस दौरान प्रेजेंटेशंस की इस्तेमाल भी हो रही है, वी ऑल नो दैट. सेकेंड थिंग, हमारा प्रेजेंटेशन यूज करने का मकसद बड़ा सिंपल है कि हम अपने जो भी आइडियाज हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, बड़े संक्षिप्त रूप में लोगों तक पहुंचा पाए, राइट. और ये पावर पॉइंट बेसिकली पीपीटी क्या है, पीपीटी एक्चुअली एक एक्सटेंशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. तो पीपीटी इज एक्चुअली अ मिसनॉमर. पीपीटी एक्चुअली एक फाइल एक्सटेंशन का नाम है. नॉर्मली हम पीपीटी को प्रेजेंटेशन के साथ जोड़ते हैं, विच शुड नॉट बी यूज्ड. ओके, जैसे हम नॉर्मली गोदरेज को फ्रिज के साथ जोड़ते हैं, अदरवाइज आयोडेक्स को पेन रिलीफ के साथ जोड़ते हैं. तो उसी तरीके से एक पीपीटी भी एक मिसनॉमर बन चुका है, बट अदरवाइज इट शुड बी अ स्लाइड शो और अ प्रेजेंटेशन, राइट. अच्छा, अब एक सवाल है आप लोगों से कि नॉर्मली जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं. हो सकता है कि आप अपने घर में खुद ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर बनाते होंगे, या फिर आप अपने घर पे अपने मदर से रिक्वेस्ट करते होंगे, या रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मदर्स बाय वेरी नेचर नो कि आपको कब भूख लग रही है, आपको खाना परोस देते हैं. अब ये बात हुई कि खाना बनाने की. अब दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट फूड हमारे पास अवेलेबल है कि एक चुटकी में आप अपने लिए नूडल्स बना सकते हैं या कुछ भी चीज़ बनाना चाहते हो, इंस्टेंटली यू गेट इट, राइट. एंड देन ऑफ कोर्स थोड़े और भी लेजी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये दोनों प्रेफर नहीं करते और इंस्टेंटली उनको लाइक सुपर फास्ट फूड डिलीवरी चाहिए. तो आजकल स्विगी है, जोमेटो है, आपके पास एक टैप में सब कुछ है. मतलब एक तरीके से जीनी आपके मोबाइल पर है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं, राइट. तो इसी प्रकार से हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं प्रेजेंटेशंस की जब हम बात करें, राइट. आप लोगों के लिए एक सवाल, अभी आप लोगों ने शायद ये देखा होगा कि जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में एक पेंसिल का ड्राइंग दिखा रहा हूँ, आप में से कितने लोग इसको पहचानते हैं, कोई बता सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ.
इस पेंसिल को कभी आपने देखा है? 90s kid will obviously know it. But क्या कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, what does it represent? ओके कोशिश कीजिए. मेरा फीड आपको 10 सेकेंड्स शायद लेट आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा समय रुक रहा हूँ ताकि मुझे आपको उत्तर मिल सके. ओके बहुत लोग जुड़े हैं. राजदीप कौर जी जुड़े हैं डोंगरगढ़ से, रामेश्वर प्रसाद जी जुड़े हैं, प्रशांत वर्मा जी जुड़े हैं दंतेवाड़ा से. बहुत बढ़िया, दंतेवाड़ा से भी आप जुड़े हैं तो जानकर बहुत खुशी हुई. रायगढ़ से भी जुड़े हैं परीक्षित पटेल जी, नमस्कार पटेल सर आपका. मानसा जी आप भी जुड़े हैं रायपुर से, वेरी नाइस. अच्छा ललिता वर्मा जी आप भी जुड़े हैं, हाय ललिता कैसे हैं. ओके रीटा मंडल मैडम आप भी जुड़े हैं, नमस्कार आपको भी. आप भी जुड़े हैं ओके. और उज्जवल लक्ष्य ओके, नारायण देवांगन सर आप भी जुड़े हैं, नमस्कार आपको भी. तो चलिए बताइए कि ये पेंसिल का डायग्राम मैंने आपको जो दिखाया ये आप लोगों ने कभी देखा है? ओके एक सही जवाब मुझे मिल गया, मंजीत नायक, शकलका बूम बूम, राइट. सो शकलका बूम बूम पेंसिल है जो बचपन से हमारे लिए एक फैंटेसी थी कि बेसिकली हमारे पास एक पेंसिल ऐसे बन जाए जिसकी मदद से हम बेसिकली कुछ भी ड्रॉ करें और वो चीज़ वाकई में रियल लाइफ में आ जाए. तो मेरा ये बोलने का मकसद क्या था, व्हाई डिड आई इवन टॉक अबाउट इट? वेल द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे पास दो तरीके हैं प्रेजेंटेशंस तैयार करने के. एक कि आप एकदम चुटकी बजाती अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी कर दें, दूसरा तरीका है जो कि नॉर्मली कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन है जो आप बेसिक फ्रॉम स्क्रैच तैयार करते हैं, राइट. तो जो आपके प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है यानी कि गो टू वेबसाइट्स होते हैं, वो वेबसाइट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत सिंपल है. इनफैक्ट आपको ये पूरा वेबिनार अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट्स में आप जाएंगे एकदम सीधा लिंक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस. आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि कुछ इस तरीके के टेम्पलेट बेस्ड प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. इनफैक्ट यू कैन जस्ट गो हिट डाउनलोड एंड स्टार्ट एडिटिंग द टेक्स्ट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज. आपको जो पिक्चर डालना है डालिए, आपको जो टेक्स्ट डालना है डालिए, वहां पे आपको जिस प्रकार से आइडिया रिफ्लेक्ट करना है आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल, दैट्स इट. तो जिन लोगों को एक्चुअली जानना है कि एकदम क्विकली प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है बहुत ही स्टाइलिश तरीके से, तो ये बहुत सिंपल तरीका है. मैंने आपको कुछ नाम भी दिए हैं वेबसाइट्स के जिसके इस्तेमाल से आप वेरी क्विकली बहुत ही एस्थेटिक सेंस के साथ अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. ओके अब हम चलते हैं. अब जो लोग जानना चाहते हैं कि स्क्रैच से प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशंस को एक्चुअली कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या क्या टूल्स हैं, काफी लोगों के लिए नया भी हो सकता है, कुछ लोग काफी टाइम से यूज कर रहे होंगे लेकिन पता नहीं कि वो डिटेल क्या है, तो उसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले एक सबसे डिफॉल्ट टूल अगर पावर पॉइंट की बात करें तो वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट. तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या क्या फीचर्स है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है. ओके सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इससे पहले से परिचित है, बट मैं कोशिश करूंगा कुछ और नई चीज इसके बारे में बताने की. ओके तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब आप अपने विंडो पे हो या फिर आप अपने मोबाइल पे कोशिश करें तो आपको बेसिकली कुछ इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं जहां पर आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, राइट. सो मैं अभी इस वक्त पावर पॉइंट को ओपन कर रहा हूं इस प्रकार से. सबसे पहले आपको जो स्क्रीन दिखता है वो नॉर्मली होता है अ थीम, यानी कि आप जब अपनी इस प्रकार से प्रेजेंटेशन को बनाना चाह रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट डिफॉल्ट कुछ ऐसे थीम्स देते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं. सो अगर मैं चाहूँ, सो डिपेंडिंग ऑन माय कॉन्टेक्स्ट आई कैन चूज लेट्स से टेम्पलेट लाइक दिस, जैसे कि मुझे ये टेम्पलेट काफी पसंद है तो मैंने ये चयन कर लिया, राइट. अब यहाँ पर देखते हैं कि इंटरफेस में बेसिकली क्या किया है, थोड़ा सा नेविगेशन करते हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर टॉप पे जो कि होम बटन दिया गया है, ये होम बटन जो है बेसिकली आपको आप चाहे किसी भी टैब में आपको बेसिकली इस टैब में लाके रख देगा, यानी कि दिस इज द डिफॉल्ट होम पेज फॉर योर प्रेजेंटेशन, राइट. इस होम टैब के अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो है पेस्ट,
यानी कि आपके क्लिपबोर्ड में अगर आपने कुछ चीज कॉपी की है, चाहे वो पिक्चर हो, टेक्स्ट हो, तो डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर अपियर हो जाएगी। तो हालांकि मैंने अभी कुछ कॉपी नहीं किया है, तो आई विल नॉट क्लिक ऑन पेस्ट, बट देन वी विल डू इट लेटर। सेकेंड ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर जो न्यू स्लाइड दिया गया है, आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड। दिस इज द ऑप्शन यूजिंग विच यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन एडिशनल स्लाइड्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल क्लिक ऑन दिस, इसको मैं अगर यहाँ पर टैप करूंगा तो मेरे पास और अलग अलग किस्म के स्लाइड्स आएंगे। बेसिकली आप एक ड्रॉइंग बुक, एक ड्रॉइंग का बुक मान सकते हैं जिसमें अलग अलग पन्ने होते हैं। तो बेसिकली आपका कवर पेज है, उसके नीचे आप अपने आइडियाज डाल सकते हैं, राइट। एंड देन इसके ठीक राइट साइड में आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप इसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं क्या क्या आप लेआउट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर दो पिक्चर दे सकते हैं साइड बाय साइड, दो ग्राफ दे सकते हैं साइड बाय साइड, दो टेक्स्ट बॉक्सेस दे सकते हैं साइड बाय साइड। सो यू कैन चूज द लेआउट दैट यू लाइक। उसके नीचे उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर अलग अलग रिसोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल आप अगर गूगल से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको गूगल जाके वो पिक्चर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी पावर पॉइंट में डायरेक्ट प्लगइन आ गया है कि आप बस यहाँ पर ब्राउजर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर फ्रॉम फाइल, अगर आपने कुछ फाइल्स डाउनलोड की है तो आप सिंपली उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इस प्रकार की फोल्डर ओपन हो गई है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें से कुछ भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस पिक्चर, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सी अब ये पूरा लेआउट जम गया है, सो यहाँ पर बिखरा नहीं है, इट्स नॉट स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। एडिशनली मेरे साइड राइट पैनल में आप देख सकते हैं कुछ AI जनरेटेड थीम्स हैं। बेसिकली ये एक सजेस्टिव थीम है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं किस प्रकार से इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो मुझे बस इस पर क्लिक करना है और ये मुझे अलग अलग किस्म के पिक्चर्स और टेक्स्ट के लेआउट दे देगा, ये देख सकते हैं आप, राइट। आपने देखा होगा कि नॉर्मली टेड टॉक्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उस दौरान ये बहुत ही जरूरी होता है कि किस प्रकार से आप अपने विजुअल एस्थेटिक्स को अपने पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके रखें। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इंसर्ट का टैब दिया गया है, राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट पिक्चर, नाउ वी टॉक अबाउट इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सारे वो टूल्स अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं अपने प्रेजेंटेशंस को एक लाइव फॉर्मेट में ला सकता हूँ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्रेजेंटेशन में अभी सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है टेबल। हो सकता है कि कभी कभार आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं जो टेबुलर फॉर्मेट में हो, राइट। सो जस्ट टैप ऑन दिस एंड एज सून एज यू टैप ऑन दिस यू गेट अ नाइस टेबल। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ टाइम टेबल बनाना है और यू वॉन्ट टू पुट अ लिस्ट, राइट। सो आप यहाँ पर टाइप करते जाइए, वो एक टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट के बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया। आप वेबसाइट से कुछ चीज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट टैप ऑन दिस इमीडिएट स्क्रीनशॉट, जैसे आपके फोन पे होता है आप जब लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो ये इसी प्रकार से काम करते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। इसके अलावा गेट एडिंस का ऑप्शन है। एडिंस बेसिकली प्लगइन से काफी एडवांस्ड फीचर्स है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट शेप्स है, तो आप बेसिक कुछ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जब कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, अदरवाइज यू आर मेकिंग अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड सम शेप। सो हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ नंबर डालना चाह रहा हूँ, तो आमतौर पर मैं नंबर कैसे डालता हूँ, आई विल पुट इट दिस वे, राइट। बट इफ आई हैव सम एस्थेटिक सेंस, अगर मैं कुछ एस्थेटिक बिल्ड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, सो आई मे वॉन्ट टू एक्चुअली पुट इट स्लाइटली डिफरेंटली। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से भी डालना इस प्रकार से भी डाल सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट तो लिखा है, लेकिन साथ में मैंने इस प्रकार से एक सर्कल भी डाल दिया है। अब मुझे कुछ पॉइंट बिल्ड करने हैं, तो सिमिलरली आई कैन गो टू इंसर्ट टैब, पुट इन अनदर शेप। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन इंसर्ट दिस टाइप ऑफ अ बॉक्स, राइट, एंड जस्ट टैप, राइट क्लिक ऑन इट एंड एडिट टेक्स्ट। से अभी मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल काफी टीचर्स अपने प्रेजेंटेशंस लेक्चर नोट्स बनाते हैं, तो इस प्रकार से टाइटल देते हैं। सो काफी प्रोफेशनल तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इसके नीचे आप अपने जो भी फॉर्मूलाज हो, अदरवाइज इक्वेशंस हो, कुछ एग्जाम्पल्स हो, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं वेरी इजीली, राइट। ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली एस्थेटिक सेंस, इसे आप यूज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट डज नॉट रियली हैम्पर द स्टाइल ऑफ योर प्रेजेंटेशन, राइट। इसके बाद शेप्स के बाद जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जो कि 3D मॉडल्स। अब ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है जो हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक 3D मॉडल्स अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशंस को और ज्यादा लाइवली बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट्स समथिंग अबाउट
एस्ट्रोनॉमी, राइट? तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमर तो लगेगा ही. सो लेट मी गिव यू अ 360 डिग्री व्यू कि वो एस्ट्रोनॉमर बेसिकली किस प्रकार से दिखेगा. अब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक प्रकार का विंडो ओपन हो गया है जहां पर मेरे पास सर्च टैब है, राइट? सो आई कैन चूज एनी शेप आई वॉन्ट एंड आई कैन जस्ट सिंपली इंसर्ट इट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज अ रॉकेट. ओके, दिस इज अ रॉकेट. अब मैंने रॉकेट इंसर्ट कर दिया है. ये 3D मॉडल है बेसिकली, और ये 3D मॉडल जो है पूरी तरीके से रोटेट हो सकते हैं. आपको जिस तरीके से डालना है आप डाल सकते हैं. इसको इनफैक्ट एनिमेट भी कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशंस अवेलेबल हैं YouTube पे जो आप देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली इस प्रकार के 3D मॉडलिंग के द्वारा बनाए गए, राइट? अब तक पावर पॉइंट का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि आप वहाँ पर सिर्फ 2D इमेजेस ही डाल सकते थे, लेकिन अब पावर पॉइंट ने बेसिकली एक नया टूल डाल दिया जिसकी मदद से आप ये पूरी तरीके से 3D रेंडर्ड मॉडल यहाँ पर डाल सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ पुटिंग इट आउट. इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या, आप कुछ भी प्रोसेस हो, कुछ भी साइकिल हो, कुछ रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के डायग्राम्स के इस्तेमाल से बता सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी प्री बिल्ट, यानी कि ऑलरेडी अवेलेबल. अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सर्कल बनाया, फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो ये सब मैंने मैनुअली किया है, बट ये सब टूल्स ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल लेट सी दिस. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सो फर्स्ट लॉ ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, राइट? इस प्रकार से मैंने इंसर्ट कर दिया. सो दिस इज ऑलरेडी प्री बिल्ट, राइट? मुझे अभी कुछ नहीं करना, बस टेक्स्ट टाइप करना था जो मैंने कर दिया यहाँ पर. एंड आई कैन एक्चुअली अरेंज ऑल ऑफ दिस वे. कलर्स चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ, बॉक्स का साइज चेंज, आई कैन डू एनीथिंग विद इट, राइट? इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टूल क्या है. नेक्स्ट टूल बेसिकली जो यहाँ पर दिया है वो है चार्ट, राइट? अब काफी समय ये मैंने देखा है कि कई बार प्रेजेंटेशन जब बनते हैं तो काफी लोग नंबर्स एकदम टेबल्स में डाल के भर देते हैं, जो कि काफी गंदा लगता है. तो इसी वजह से हमें कुछ ग्राफ इस्तेमाल करने पड़ते हैं जहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स को बड़े आसानी से, बहुत ही ईजी ऑन द आई विजुअल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है तो हम कैसे उसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्या हमें फिर से वो टाइप करना है? तो बिल्कुल नहीं. आपके पास अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है टाइप फॉर्मेट में, एक्सेल में या किसी भी सॉफ्ट कॉपी में, तो आप सिंपली उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और वो एक पाई डायग्राम, कॉलम डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक एक्सेल का शीट, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जिसमें आप देख पाएंगे कि कंप्लीटली नंबर्स जो है एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे डायग्राम इसमें, चार्ट्स में, राइट? सो यू कैन सी दिस इज द डायग्राम दैट आई हैव, राइट? दिस इज द चार्ट टेबल दैट आई हैव कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू. ये वैल्यू टेबल है, कुछ रैंडम नंबर्स मैंने लिए हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ये कुछ भी हो सकता है. अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इंसर्ट किया तो ये पूरा टैब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया है. सी हाउ नॉइज इट लुक्स. सो यहाँ पर आप कुछ भी कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा सकते हैं. यू कैन शो द परफॉर्मेंस स्कोर्स टेकन बाय द स्टूडेंट्स, या फिर आप कुछ भी डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल है जो कि है कमेंट टैब. अब काफी टाइम जब बच्चे अपने प्रेजेंटेशंस को देते हैं, मैंने से बच्चे है मेरा मतलब है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं जब कुछ प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, शेयर करते हैं, आपके पीयर कलीग्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं, तो कुछ करेक्शंस आपको करने हो सकते हैं जो कि आप यहां से कर सकते हैं एक कमेंट टैब डाल करके. फॉर एग्जांपल यू वांट टू से दैट देयर इज सम चेंज दैट यू वांट, यू कैन सिंपली टाइप इन ओवर हियर दिस. फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ कैन बी इंप्रूव्ड using a pie chart, okay? So ये comment है जो कि यहाँ पर place हो गया है, तो next time जब कोई open करेगा तो उसको सीधा comment दिख जाएगा कि क्या correction है. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप जब copy check करते हैं तो आप remarks लिखते हैं, same way यहाँ पर आप comment लिख सकते हैं and you can tell the changes. Text box available है, very simple text box के बारे में आप जानते होंगे, text insert करने के लिए. Word arts available है, अलग अलग stylish तरीके से आप text को insert कर सकते हैं, right? इसके अलावा आप और अपने जो भी इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, इसको रीऑर्डर कर सकते हैं, आगे पीछे भेज सकते हैं और जिस प्रकार से आप चाहें कर सकते हैं. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स. सो फर्स्ट 20 मिनट्स आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक लिटिल बिट बेसिक टूल्स विच आर अवेलेबल ऑन प्रेजेंटेशन, तो आपने शायद देख लिया होगा. इसके अलावा आप थोड़े एडवांस्ड
टूल्स के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन है। बेसिकली ट्रांजिशन क्या होते हैं कि आप जब एक प्रेजेंटेशन से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर आप जब स्विच ओवर करते हैं तो उस दौरान आप कुछ इस प्रकार से ट्रांजिशन इफेक्ट ला सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर इस प्रकार से एक प्लैनेट है और एक स्पेसशिप है। अब मुझे इसके बारे में बताना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्विच ओवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ टू माई सेकेंड स्लाइड, तो ये कैसा दिखेगा? जस्ट लेट मी शो इट टू यू। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पर एक मॉर्फ का जो है बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक स्टार का ऑप्शन दिया गया है। सो दिस स्टार ऑप्शन एक्चुअली इंडिकेट्स कि यहाँ पर कुछ प्रकार का ट्रांजिशन इफेक्ट दिया गया है, राइट? ओके, मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं बीच में, सो आई विल जस्ट प्ले इट। ओके, लेट्स गो बैक। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन, वन सेकेंड। ओके, सो ट्रांजिशन इफेक्ट्स के बारे में बताया एंड आई शोड यू हाउ ट्रांजिशन एक्चुअली वर्क्स। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा, यानी कि ये मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं स्लाइड शो पे जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि ये पूरा प्रेजेंटेशन कैसा ट्रांजिशन होता है इस प्रकार से। जब अगली बार आप कुछ चीज को डिस्प्ले करेंगे तो इट विल अपीयर दिस वे, राइट? सो एक छोटा सा ट्रांजिशन इफेक्ट है, फन टू प्ले। आई मीन इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू यूज ट्रांजिशन और एनिमेशंस एवरी टाइम यू बिल्ड अ स्लाइड। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ सम विजुअल एस्थेटिक्स व्हिच यू आर बिल्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन, राइट? इसके बाद कुछ ऐसे टूल्स है जहां पर एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट? सो लेट्स से मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है, ओके? So for example, PSLV6 मैंने यहाँ पर लिखा। Now I want this text to actually go in a slightly animated way, right? तो यहाँ पर already tools available है जिसके मदद से मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। For example, fly in का option दिया गया है। इस प्रकार से अलग अलग animated tools available है। So look at this, right? This is another way where I can do center revolve. Swivel का option दिया गया है, इस प्रकार से घूमता रहेगा। Grow and turn का option दिया गया है। So आप इसे अपने लीजर पे बहुत अलग अलग किस्म के एनिमेशन अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स, फॉन्ट कलर चेंज, श्रिंकिंग, ग्रोइंग, लाइन कलर, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। इसको आप अपने फ्री टाइम पर जरूर एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टैब है बेसिकली आपका कॉकपिट है। सो कॉकपिट इन द सेंस कि यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन लॉन्च होता है। सो व्हेन आई बिल्ड अ प्रेजेंटेशन समथिंग लाइक दिस, तो मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, सबसे पहला यहाँ पे मुझे टैप करना है तो फिर ये ऑटोमेटिकली प्ले मोड पर आ जाएगा इस प्रकार से, फुल स्क्रीन मोड पर, और आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। नॉर्मली एक मिस्टेक लोग जो करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान कि वो अपने प्रेजेंटेशन को एडिटिंग मोड पर ही रख के डिस्प्ले कर देते हैं, उस वजह से उनका प्रेजेंटेशन जो है आधा स्क्रीन सब इसी लेआउट में चले जाता है। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप कुछ क्लास में दिखा रहे हैं या कहीं भी कुछ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो प्लीज पुट इट ऑन फुल स्क्रीन मोड एंड देन टॉक, ओके? इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब काफी बार प्रेजेंटेशंस को आप एक तरीके से प्री रिकॉर्डेड करना चाहेंगे, पहले से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, तो रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने वॉइस ओवर वेबकैम के द्वारा अपनी वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करते जा सकते हैं और उसका अल्टीमेटली एक MP4 वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कई बार इस प्रकार के वीडियोज बनाए जहां पर
मेरी वॉइस ओवर चलती रहती है और प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली फ्लिप होती है, स्लाइड होती है, नेक्स्ट चलती रहती है. तो ये भी काफी अच्छा तरीका है जहां पर आप अपने ऑडियंस को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर को टीचर्स हो, उनको इस प्रकार से रेडीमेड प्रेजेंटेशंस बना करके शेयर कर सकते हैं जो अपने एक पेस पर चलता रहता है. अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, इस वजह से यहाँ पर ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ. बट नॉर्मली आप यहाँ पर जब टैप करेंगे रिकॉर्ड स्लाइड शो तो आप मेरा स्क्रीन देख पाएंगे. ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन आएगा. राइट, सो मैं आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहूँ तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अपनी आवाज को, अपनी वीडियो को इंसर्ट कर सकता हूँ. सो आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट. राइट, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, टाइम्ड है एंड एक्सपोर्टेड एज MP4 वीडियो आल्सो. इसके बाद जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, स्पेलिंग, स्पेल चेक हो, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट का ऑप्शन है, सो यू कैन पुट इंग्लिश टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू हिंदी, या फिर आप यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, कॉमेंट्स डाल सकते हैं, इस प्रकार के इमेजेस दिए गए हैं. साथ में नॉर्मली जब टीचर्स और एनी प्रोफेशनल पर्सन एक्चुअली टेक्स आउट प्रिंट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, उनको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि है व्यू मोड. तो व्यू मोड में बेसिकली आप अलग अलग प्रकार से अपने स्लाइड्स को दे सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन प्रिंट इट आउट इन द सेम मैनर, राइट, जहाँ पर आपके रीडिंग व्यू पे अवेलेबल है, स्लाइड मास्टर अवेलेबल है. तो यहाँ से आप एक तरीके से देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, राइट, टू स्लाइड्स ऑन वन पेज. तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द होम. अब होम पेज में बेसिकली कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग जान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट दिस एज अ PDF, अब काफी लोगों के पास ये प्रेजेंटेशन तो बन गए हैं, लेकिन आप इसे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर शेयर ऑप्शन पे जा सकते हैं या एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं. और यहाँ पर आप जाकर के इस प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली एज अ PDF मोड पर सेव कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट, यहाँ नीचे आपको दिया गया है. इसको मैं चूज कर सकता हूँ एज अ PDF, MP4, JPEG इमेज, PNG इमेज. सो बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आर्टवर्क्स हैं जो कि मैं या फिर मेरी टीम इस पर डिजाइन करती है एंड देन वी एक्सपोर्टेड एज अ JPEG इमेज. राइट, ये PDF के फॉर्मेट में भी अवेलेबल कर सकते हैं. जस्ट चूज इट एज PDF एंड देन गिव द नेम टू द प्रेजेंटेशन, राइट, इस तरीके से, एंड देन हिट एक्सपोर्ट. तो ये पूरा का पूरा PDF आपके मोबाइल में या फिर आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा एंड देन यू कैन शेयर इट. एडवांटेज ऑफ हैविंग अ PDF इज दैट यू डोंट नीड एडिशनल सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है देन यू मस्ट हैव अ पावर पॉइंट एप्लीकेशन ऑन योर फोन, राइट. और इससे क्या होता है कि फिर लोगों को एडिशनली अलग अलग किस्म के एप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं. सो इट्स ऑलवेज ईजियर एंड बेटर एंड लाइट वेट टू गेट अ PDF जनरेटेड एंड शेयर इट विद पीपल. तो PDF जनरेट करके आप शेयर कर सकते हैं. तो ये सब बेसिक चीजें जो मैंने आपको पिछले 30 मिनट में बताए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. सो बेसिकली, यस, देयर यू गो. अब पावर पॉइंट के बारे में तो हमने देख लिया कुछ बेसिक चीजें. अब जब आप शुरू करेंगे यूज करना तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट एक ऐसी टूल है जो कि आप जैसे जैसे करेंगे तो सीखते जाएंगे. कोई भी आधे घंटे के अंदर पावर पॉइंट सीख नहीं सकता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट कोशिश ये है कि आपको बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए पावर पॉइंट के अंदर कि कैसे टूल्स अवेलेबल है, क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू. सेकेंड थिंग, एक प्रॉब्लम है कि पावर पॉइंट बेसिकली एक पेड सॉफ्टवेयर है, राइट. काफ़ी लोगों के पास, टीचर्स के पास स्पेशली, जरूरी नहीं है कि लाइसेंस्ड वर्जन हो. तो इस वजह से कुछ समस्या होती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट. कुछ लोगों के पास कुछ क्रैक्ड वर्जन होते हैं जिसे हम पायरेटेड वर्जन भी कहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज वी शुड नेवर यूज सच काइंड ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर. एक सबसे पहला चीज़ है कि वो अनएथिकल है. वी शुड स्टॉप यूजिंग पायरेटेड या फिर क्रैक्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बिकॉज इट प्रमोट्स पायरेसी. दूसरा, आप जब भी क्रैक्ड या फिर पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं तो चांसेस है कि आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, मोबाइल भी करप्ट हो सकता है. सो जनरली अवॉइड यूजिंग सच काइंड ऑफ डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर. तो फिर इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम पेड सॉफ्टवेयर लेने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट अस मोर देन 5,000-6,000 रुपीज इन ईयर, विच इज रफली 500 रुपीज पर मंथ फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो सबसे ईजी और सबसे एक्सेसिबल एक टूल अगर आज के तारीख में है जो कि मैं भी यूज करता हूँ, वो है बेसिकली गूगल स्लाइड. गूगल स्लाइड एक बेसिकली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो
इसी टाइप से आप अलग अलग किस्म के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और गूगल स्लाइड में आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसके मदद से आप काफी सुंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इट इज इक्वली बेटर एंड आई कैन से इट इज मच सिमिलर टू पावर पॉइंट बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि हमें जो गूगल स्लाइड का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर क्या है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि गूगल स्लाइड इज मच मोर पावरफुल देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैं कह सकता हूँ। द रीजन इज कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार के प्लगइन्स एड ऑन्स अवेलेबल हैं जो पावर पॉइंट में आपको नहीं मिलेंगे, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ दिस इज फॉर फ्री, आपको यहाँ पर कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी वेरी क्विकली शो यू गूगल स्लाइड। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, आप गूगल में जाइए, गूगल स्लाइड टाइप कीजिए, इस प्रकार से आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। गो टू गूगल स्लाइड्स एंड सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर वो है ब्लैंक कैनवस, राइट, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसा हमने वहां पे देखा था आपके पास एक ब्लैंक कैनवस है, उसके अलावा आपके पास प्री बिल्ट थीम्स है, टेम्पलेट्स हैं, तो सेम वे आपको यहाँ पर अलग अलग किस्म के थीम्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गो विद दिस टेम्पलेट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, राइट, इसे हम चयन करते हैं। ओके, सो अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। तो बेसिकली सेम टाइप ऑफ टूल, आई विल नॉट वेस्ट टाइम एक्सप्लेनिंग द टूल्स वंस अगेन, बट इसमें क्या अलग है वो मैं बताता हूं आपको। तो जो आपने टूल्स अभी पावर पॉइंट में देखे थे, मैं सेम चीज को एक्सप्लेन यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि वो आपका समय नष्ट होगा। इसलिए जो यहां पर अलग है पावर पॉइंट से, सिर्फ उन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अब देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहला मजेदार चीज जो यहां पर दिया गया है वो है एड ऑन्स। अब एड ऑन्स जो है बेसिकली काफी लोग इससे शायद परिचित हो सकते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, तो मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि एड ऑन्स एक ऐसा फीचर है जहां पर आप अलग अलग किस्म के प्लगइन्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने गूगल स्लाइड के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ आइकन्स इंसर्ट करने हैं, मुझे कुछ क्विजेस इंसर्ट करने हैं, मैं अपने प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट बाई यूजिंग प्लगइन्स। तो आप देख सकते हैं कि गूगल द्वारा इतने सारे प्लगइन्स ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर अवेलेबल है। थर्ड पार्टी डेवलपर्स भी इस पर लगातार कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्लगइन्स डाउनलोड किए हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्लगइन जो मैंने डाउनलोड किया है वो ये है, आइकन्स फॉर स्लाइड्स एंड डॉक्स। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा मेरे पास एक राइट साइड में एक टैब ओपन हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के आइकन्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से मैं अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन में और चार चांद लगा सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात कर रहा हूँ मेकिंग प्रेजेंटेशन दैट स्टिक, राइट, इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं एक आई बॉल दिखाना चाह रहा हूँ, ओके, आई बॉल जनरली ट्रांसलेट्स टू कैप्चरिंग समबडीज अटेंशन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे आइकन्स अवेलेबल हैं आई बॉल्स के, आई कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड जस्ट हिट इंसर्ट। अब मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा फ्लैट आइकन आ गया है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में बात करें तो फ्लैट आइकन्स इज द टॉक, राइट। फ्लैट आइकन्स जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड वेक्टर ग्राफिक है जो ग्राफिक डिजाइनर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। सो यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा एक पीएनजी इमेज फॉर्मेट में मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट हो गया है। इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे इमेजेस फ्लैट आइकन्स इंसर्ट कर सकता हूँ एब्सोल्युटली फ्री, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, राइट। सेकेंड और एड ऑन्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसलेट बॉक्स दिया है। अब काफी टीचर्स बेसिकली अपने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जब बना रहे हैं, हो सकता है कि कहीं से वो चीज को कॉपी कर रहे हैं, राइट, काफी मटेरियल जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं तो उसको अगर हिंदी में डालना है और अदरवाइज दे वांट टू कन्वर्ट एन हिंदी फाइल इनटू एन इंग्लिश फाइल, तो यहाँ पर इनबिल्ट टूल है जिसकी मदद से आप ये कंप्लीटली अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, Let's learn something new today. तो मेरा ये सबसे पहला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो दिया है, अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर से ट्रांसलेट हो गया ऑटोमेटिकली, आइए आज कुछ नया सीखें।
ऑल ऑफ दिस इज डन बाय मशीन लर्निंग. मैंने अभी कुछ टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया है. तो आप सोच लीजिए, अगर आपको कुछ स्टोरीज हो, राइम्स हो, आप जिसका लिटरल ट्रांसलिटरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कुछ चीजों को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो सकता है. बट याद रखिएगा कि ये पूरा मशीन जनरेटेड ट्रांसलेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामर भी चेक करनी पड़ेगी. तो एज इट इज कभी मत लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, कुछ करेक्शन हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट एड ऑन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पिक्सेल्स. पिक्सेल्स एक ऐसा एड ऑन है जहां पर हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाते हैं, जिसकी मदद से मुझे कहीं भी इशू नहीं होगा. अगर मैं कुछ इमेजेस इंसर्ट कर रहा हूँ और मुझे लगे कि ये कुछ कॉपीराइट इशू ना हो इसमें, तो अगेन मुझे एडऑन्स में जाना है और पिक्सेल्स पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली एक प्रकार का टैब यहाँ पर राइट साइड में खुल जाएगा, जहां से आई कैन डाउनलोड एनी काइंड ऑफ स्टॉक फ्री इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल मून का पिक्चर इंसर्ट करते हैं. सो लुक एट द पिक्चर ऑप्शंस दैट आई गेट. मेरे पास इतने सारे इमेजेस अवेलेबल हैं जो कंप्लीटली कॉपीराइट फ्री है. सो आई कैन इंसर्ट एनी वन ऑफ देम एंड रेस्ट एंड बी अश्योर्ड कि ये कॉपीराइट का कुछ इशू नहीं होगा. पिक्सेल्स के जितने भी इमेजेस है एब्सोल्युटली रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं. सो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस इमेजेस एंड इंसर्ट इट, राइट, प्ले अराउंड विद द इमेजेस. सो इस प्रकार से बहुत सारे एड ऑन्स हैं. इनफैक्ट व्हेन यू एक्चुअली गो एंड ट्राई लुकिंग फॉर सम गुड एड ऑन्स, मुझे सबसे एक बेहतरीन एड ऑन जो दिखा वो था नियर पॉड. नियर पॉड मेरा आपके आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा. नियर पॉड बेसिकली एक ऐसा टूल है जहां पर हम अपने प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बना सकते हैं. बेसिकली आप कुछ क्विज डाल रहे हैं. आप में से काफी लोग मेंटीमीटर के बारे में जानते होंगे कि वो एक लाइव क्विज होता है जहां से बच्चे मोबाइल पे जुड़ते हैं, एक कोड टाइप करते हैं और फिर जैसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में जैसे आप पोल इन करते हैं, ऑडियंस पोल लेते हैं, उसी प्रकार से बच्चे जो है क्विज देते हैं रियल टाइम में और उसका क्विज का रिजल्ट और कितने लोगों ने सही गलत जवाब दिया वो आपको स्क्रीन पर दिख जाता है. उसी टाइप के फीचर्स नियर पॉड में भी अवेलेबल हैं. आप अपने टेक्स्ट को बेसिकली प्रेजेंटेशन को बेसिकली इंटरैक्टिव फॉर्मेट में बना सकते हैं. साथ में अगर आपको कुछ भी फीडबैक्स चाहिए, एक तरीके का जैम बोर्ड भी अवेलेबल. आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग गूगल जैम बोर्ड के बारे में जानते हैं. गूगल जैम बोर्ड अगेन एक ऐसा कोलैबोरेटिव टूल है जहां पर आप एक साथ बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं एक ही टाइम पे, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल यूजिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ add-ons, plugins available. अब मैं सारे plugins के बारे में आपको अगर दिखाने जाऊंगा तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे इसी में लग जाएंगे. सो आई विल लीव इट टू यू. आप अपने लीजर में इन सारे add-ons को जरूर ट्राई करें. सबसे पावरफुल टूल गूगल स्लाइड में अगर अवेलेबल है तो वो है गूगल का एड ऑन, एंड यू शुड ट्राई इट आउट. कुछ फीचर्स पेड वर्जन भी है, बट आई थिंक पेड वर्जन की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज द फ्री वर्जन. लिमिटेड फीचर्स के साथ भी हमें काफी पड़ता है ये सारे फीचर्स. सो राइट, सो दिस इज अबाउट using add-on features on the Google. Second चीज है Google का sex सबसे important feature जो कि आप इन सारे presentation को offline mode पर save कर सकते हैं. That means you can view the presentation even when you don't have an internet connection. तो आपके पास जब भी internet connection नहीं है तब भी आप इन चीजों को देख सकते हैं. It's very simple. आपको file पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि make available offline. जैसे मैं इसे टैप करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से आपकी सिस्टम में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम आपको बिना इंटरनेट के भी आप इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं. क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लाउड प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों के मन में आइडिया होता है कि क्लाउड मतलब फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी तो कैसे इस्तेमाल करें. तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है. आपको बस ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक टिक आइकन मिल जाएगा जहाँ पे बता देगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली ऑफलाइन सेव हो चुकी है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इश्यू है कि जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम में 3-4 लोग मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं तो ये ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या चेंज किया है और कब क्या चेंज किया है, राइट. तो इसलिए यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री दिया हुआ है. कभी कभार हो सकता है कि आपने कुछ प्रेजेंटेशन सेव नहीं किए हो. जैसे नॉर्मली हम डेस्कटॉप यूज करते हैं तो कंट्रोल एस दबाते हैं, कंट्रोल सेव एस करते हैं, लेकिन गूगल में स्लाइड्स में आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं. ऑटोमेटिकली सेव्स, राइट, एवरी 2-3 सेकंड्स इट कीप सेविंग. तो आपके जितने भी वर्क अपडेट्स हैं वो क्लाउड पे सेव रहते हैं. सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वर्जन हिस्ट्री. तो वर्जन हिस्ट्री पे आप जब टैप करेंगे आप देख सकते हैं कि मेरे मैंने जो करेक्शंस किया है उन सभी करेक्शंस के वर्जन हिस्टोरिकली आर्काइव्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्लिक ऑन इट ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर मी, राइट. आपको जो भी प्रेजेंटेशन जिस टाइम पे आपने करेक्शन किया होगा उसको रिस्टोर कर सकते हैं एंड बूम इट विल बी रिस्टोर्ड बैक टू द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन. देखिए देखिए ये देखिए मैंने आईबॉल इंसर्ट किया था वो जा चुका है और ओरिजिनल प्रेजेंटेशन आ चुका है. तो अलग अलग टाइम पॉइंट्स में ये इस प्रकार के आर्काइव्स बनाते रहते हैं. यू कैन रिस्टोर इट व्हेनेवर यू वांट.
सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज कि आप इसे डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑल द काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया PDF, JPEG, तो सेम वे यहाँ पर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो वेन आई हैव एन ऑप्शन टू यूज ओपन सोर्स टूल्स लाइक गूगल स्लाइड्स, देन इट मेक्स माई वर्क मोर ईजी. हम में से काफ़ी लोग गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं. बट कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जो हमें शायद थोड़ा ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम जब पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. तो वो क्या चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें किन किन की चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम इस प्रकार के प्रेजेंटेशन बनाते हैं. क्योंकि 15 मिनट का समय बचा है, सो आई विल वेरी क्विकली गो टू माई डेक एंड शो इट टू यू. ओके, सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, एनी फीडबैक्स, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ हेल्प यू विद दैट क्वेश्चन आल्सो. ओके, सिमी अतुल जी का वेरी हेल्पफुल, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. ओके यस, एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग स्किल. जब आप ऑनलाइन स्पेशली पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जो ओरली आप नहीं बोल सकते हैं डिस्प्ले करना पड़ता है. सो यू कैन गो एंड क्राफ्ट सम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस लाइक दिस. देयर वाज ऑलवेज अ फियर ऑफ कॉपीराइट, सो थैंक्स फॉर दिस. हाँ, कॉपीराइट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इश्यूज हैं. तो CCBY करके बोलते हैं बेसिकली. CCBY इमेजेस, आपको चाहे वीडियोज भी डाउनलोड करने हो, मैं सिर्फ इमेजेस की बात नहीं कर रहा, इवन इनफैक्ट आपको अगर वीडियोज भी डाउनलोड करने हैं यूट्यूब से, गूगल से, तो आप CCBY वीडियोस और टॉपिक जिस भी थीम पे आप सर्च करना चाह रहे हैं अगर करेंगे तो यू कैन गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉपीराइट फ्री मटेरियल विच यू कैन यूज. सी द प्रॉब्लम इज कि कॉपीराइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इशू ये होता है कि जब आप कुछ भी चीज़ विदाउट परमिशन यूज करते हैं तो यू आर लीगली लायबल फॉर द डैमेजेस कॉस्ट जिसका भी ओरिजिनल इन्वेंशन था. सो ही कैन एक्चुअली सू यू, ही कैन पुट अ केस ऑन यू, राइट? बट इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पसेज, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेज, यू कैन टेक परमिशन, जिसका भी है उससे आप परमिशन ले सकते हैं एंड देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज देयर इज नॉट एन इशू. सेकंड, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेनेवर वी मेक पीपीटीज. ये सारी चीजें मेरे एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस पे आधारित है, क्योंकि शुरुआती तौर पे जब मैं प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर रहा था स्टूडेंट्स, जब मैं अपना MBA कर रहा था, तो हमारा आई थिंक द डेली ब्रेड एंड बटर वॉज क्रिएटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. दैट्स अ बेसिक स्किल, राइट? PowerPoint एंड Excel, तो इसी चीज़ों से हम शुरू करते हैं. एनालिटिक्स में घुसने से पहले सबसे बेसिक चीज़ है कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे पिच कर रहे हैं, एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, एक्सेल में कैसे दिखा रहे हैं. सो वेरी वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू लर्न इन योर अंडर ग्रेजुएशन और योर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? तो सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके सो सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप मेरा स्क्रीन देख पाएंगे शायद. सबसे पहले कि डोंट शो टू मेनी और वेरी लिटिल स्लाइड्स, राइट? हम में से काफ़ी लोग बहुत ही ओवरवेलम हो जाते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को लेकर के, और उस चक्कर में इतने सारे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स लगा देते हैं कि 50, 60, 70, 80. मैं तो एक प्रेजेंटेशन में बैठा था जहाँ पर एक व्यक्ति ने कम से कम 170 स्लाइड्स लगा रखे थे और मेरा देख कर ही सिर घूम गया. मतलब मैं बस ये सोच रहा था कि ये प्रेजेंटेशन कब खत्म होगा, इतना इतना वर्क एक्सपीरियंस था मेरा. तो इसलिए अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही स्मॉल रखिए, ब्रीफ रखिए, नॉट मोर देन 10-15 और मैक्सिमम 20 स्लाइड्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आपको उससे ज्यादा स्लाइड्स यूज हो रहा है देन प्रॉब्ली आपको अपने सेशंस को ब्रेक करना पड़ेगा, अलग अलग सेशंस में लेना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होगा कि जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, उन्होंने हाल ही में एक अपने बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन लिया है कि वो कभी भी पावर पॉइंट को अलाउ नहीं करेंगे अपने मीटिंग में, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू द रीजन, बट या वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो डोंट प्रेजेंट टू मच टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर इतने सारे टेक्स्ट हैं. नॉर्मली ये मिस्टेक भी लोग करते हैं एंड नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ अ प्रोफेशनल, राइट? कि इतना सारा टेक्स्ट भर दिया और मतलब उसके बाद क्या कोई सुनेगा कि क्या बोल रहे हैं? नहीं, मतलब It's getting more irritating to read such kind of texts. So avoid these kind of text bombing on the presentation. इस तरीके से आप avoid कीजिए please.
उसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं जो लोग अक्सर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत इजी नहीं होते हैं समझने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स। सो इन ग्राफ्स को एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सिंपली जाकर डेटा डाल देंगे तो आपको वो बता देगा कि आपको कैसे कौन किस प्रकार के ग्राफ्स इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो ऑलवेज फील फ्री टू एक्सप्लोर सच इजी टू यूज ग्राफ्स। सेकेंड, डोंट लेट पावर पॉइंट डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पावर पॉइंट को लेकर हावी हो जाते हैं तो हम सिर्फ पावर पॉइंट के बारे में ही बोलते रहते हैं, इनफैक्ट अपने आइडिया को भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है, लोग बोर हो सकते हैं और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देंगे, व्हाट्सएप निकाल के मैसेज चेक करना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में ज़्यादा हावी ना हो। हम जिस चीज़ के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं वो आइडिया लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डोंट पैरोट योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब बोलते हैं ना वो मियाँ मिट्टू बनना, मतलब आप जो भी कहना चाह रहे हर चीज़ प्रेजेंटेशन में आपने डाल दिया, अब उसी को आप पढ़े जा रहे हैं। नॉर्मली मैंने देखे भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जो लगातार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बना लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे 15-20 स्लाइड्स के अंदर, और सारे पॉइंट्स उसमें एकदम भर देते हैं और फिर उसी को पढ़ते हैं, राइट। कुछ ऑनलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कि टीचर्स प्रेजेंटेशन बनाते उसी को लगातार मतलब पढ़ते जाते हैं, तो वो इट इज़ नॉट अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। पावर पॉइंट इज सपोज टू ओनली गिव अ स्मॉल समरी इन जस्ट वन सेंटेंस। अगर आप अपनी बात को एक सेंटेंस में बता दें तो वो ही पावर पॉइंट आपके लिए काम आएगा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, डोंट इंजर विद कलर। अब पावर पॉइंट में डिजाइन एस्थेटिक्स के बारे में आपको शुरू में बता रहा था, सो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने मनपसंद कलर को ना डालें। हो सकता है ग्रीन पसंद है, रेड पसंद है, ब्लू पसंद है, ब्लैक पसंद है, सब कलर पसंद है, तो एक साथ उठा करके स्लाइड में डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वहां पर टेक्स्ट विजिबल नहीं होगी, आपका जो एम्बियंस है, फॉर एग्जांपल आपका कमरा जहां पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो किस प्रकार से बना हुआ है, इज इट हाईली लिट और इज इट डिम लिट, उस प्रकार से आपको कलर्स भी चूज करने पड़ सकते हैं। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू चूज कलर फॉर योर प्रेजेंटेशन, राइट। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, मैंने बेसिकली एक लेआउट लिया है जिसमें एक क्रीमिश व्हाइट कलर बैकग्राउंड है, रेड कलर का मैंने जो है हेडिंग दिया है, इनवाइटेड आई चूज रेड बिकॉज ये एक तरीके का वार्निंग है, राइट। सो ये सब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। साथ में ब्लैक कलर का टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्रूशियल जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर एक टूल अवेलेबल है जो है coolers.co। अब काफी लोग का इस सवाल ये रहता है कि अच्छा रेड कलर ले लिया तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो सकता है, रेड ब्लू ले लिया तो उसके साथ क्या, मतलब कुछ लोगों को कलर का अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। इसीलिए ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहां पर आप जाकर के एक कलर पिक कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं आपको दिख जाएंगे। कूलर्स इज अ वेरी नाइस वेबसाइट, मैं भी इसे यूज करता हूँ इनफैक्ट अपने प्रेजेंटेशन को काफी लाइवली बनाने के लिए, जहां पर आप बेसिकली एक कलर को पिक करेंगे तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कलर्स आप यूज कर सकते हैं सजेस्टिव लिस्ट आपको मिल जाएंगे, और जब आप कलर पर टैप करेंगे तो आपको कलर का कोड भी दिख जाएगा। नॉर्मली कलर के कोड क्या होते हैं कि हर एक कलर का अलग अलग कोड होता है जो आपको कलर पैलेट से चूज करना पड़ता है। सो ये आपको पूरा कोड भी दे देगा एंड यू कैन इंसर्ट सच कलर्स वेरी इजिली। ये एक जरूरी चीज है कि एनिमेशन और ट्रांजिशन तो चलो सीख लिया, अब अक्सर लोग उसी में एकदम धड़ाधड़ एनिमेशन प्रेजेंटेशन के अंदर हर चीज में एनिमेशन हर चीज में ट्रांजिशन लगा देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, इट डजंट लुक वेरी प्रोफेशनल। तो अवॉइड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफ इट नॉट रिक्वायर्ड। अब मैंने जितना भी प्रेजेंटेशन आपको शुरू से दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर एक बार भी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन इफेक्ट यूज नहीं किया बिकॉज मुझे जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को पसंद होता है तो इसलिए जबरदस्ती घुसा देते हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन, सो प्लीज अवॉइड इट। रिमेंबर कि पावर पॉइंट इज अ टूल टू नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। ओके, तो इसी पर्पज के लिए आप अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो काफी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बनेगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटिंग द आइडिया। सबसे लास्ट चीज मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी अपने प्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसे एक स्टोरी मोड पर लेके जाए, ना कि सिर्फ फैक्ट्स और ओपिनियंस को वहां पर दिखाएं। सो स्टोरी मोड का क्या मतलब हुआ, स्टोरी मोड का मतलब यह हुआ कि जब मैं मान लीजिए कुछ टेक्निकल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या फिर मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टीच कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, लेट्स से
आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इटसेल्फ. अब मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाना है, मैं सीधा जाकर के नहीं बोल सकता हूँ राइट कि जो भी मोशन का लॉ है वो तीनों लॉ एक साथ मैं बोलूंगा तो बच्चे शायद बोर हो जाएंगे. सो मे बी आई कैन स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि मैं बस में जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, अचानक से बस वाले ने, ड्राइवर ने ब्रेक मारी और मैं एकदम आगे गिरूंगा कि पीछे, ये आपको सोचना है और बच्चों से सवाल पूछना है. तो उसका वो जवाब देंगे कि बच्चे जब बस वाला ब्रेक मारता है तो आप आगे गिरते हैं या पीछे गिरते हैं. मेक देम थिंक, मेक देम रिस्पॉन्ड. अगर बच्चे बोलते हैं कि आगे गिरते हैं तो पूछिए आप कैसे बोल रहे हैं, अगर पीछे गिरते हैं तो सही जवाब है या नहीं, और सही जवाब है तो क्यों, उसका रीजन क्या है. सो यू टेक इट ऑन अ स्टोरी मोड. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रेजेंट एनी आइडिया राइट. सो विद दैट मेरे ख्याल से हमारा समय भी हो गया है 11:55. वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर टाइम, नेवर एवर रन आउट ऑफ टाइम. आपको जितना समय दिया गया उसी के अंदर अपना प्रेजेंटेशन रैप कीजिए. आपके भले पॉइंट्स छूट जाएं बट नेवर टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि आपकी ऑडियंस के पास बहुत काम रहता है एंड यू शुड नेवर वेस्ट देयर टाइम. सो आई विल ऑल्सो नॉट वेस्ट योर टाइम. फॉर द लास्ट 50 मिनट्स आई हैव टेकन, मैंने आपको एक बेसिक वॉक थ्रू दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं, गूगल स्लाइड्स का क्या एडवांटेजेस है ओवर पावर पॉइंट, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन क्राफ्ट करने हैं, कुछ इंस्टेंट पावर पॉइंट थीम्स और टेम्पलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट हाउ यू कैन यूज प्रेजेंटेशन ऑन ए स्टोरी लाइन मोड. सो आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा. इफ येस देन डू लेट मी नो. और आपको अगर इनकेस यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट विद प्रेजेंटेशन और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग, आप हमेशा मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट. ओके, सो लास्ट टू मिनट्स अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इट ऑन द चैट बॉक्स और आई विल बी हैप्पी टू पुल इट आउट. एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनी फीडबैक्स, लेट मी नो. तो अंजू शर्मा जी का टेक्स्ट है कि वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग स्किल. जी पूरी तरह सहमत, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल. देवेंद्रनाथ पानीग्रही सर का मैसेज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. ओके जी, धन्यवाद सर. थ्री डी इफेक्ट विल बी वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग 3D शेप्स. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो इससे पहले काफी लोग AR को इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमारे स्टेट में. सो AR के साथ साथ 3D टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली शो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स विच आर अवेलेबल. गुड मॉर्निंग शारदा जी, आपको भी. ओके, थैंक यू सोमशेखर सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. रमेश कुमार जी, कैन इट बी मोर इजी? यस, इट कैन बी एक्चुअली वेरी इजी. आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे इट बिकम्स वेरी इंस्टेंट. थैंक यू सो मच. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एज वी रन आउट ऑफ टाइम. सो वी विल अगेन मीट विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि वेबिनार्स कर सकते हैं, इन केस यू ऑल्सो वॉन्ट टू कंडक्ट अ वेबिनार, प्लीज रीच आउट. कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हैं एंड वी विल प्लान अ सेशन. अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टूल्स है जिसकी मदद से टीचर्स को फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेड. ओके, कुछ भी फ्री टूल हो, ओपन सोर्स पे हो, देन वी कैन डेफिनेटली प्लान आउट सम सेशन विद द टीचर्स ऑल्सो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.